चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद में जिला मुख्यालय रुद्रपुर से 14 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गोला नदी के पश्चिमी तट पर बसा जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तराखंड राज्य का 9वां एवं उधमसिंह नगर जिले का 3रा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र एवं जनपद की 9 तहसीलों में एक किच्छा। बरेली को नैनीताल से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग दक्षिण में बरेली की ओर से प्रवेश करके गोला नदी सेतु, दराऊ चौराहा, आदित्य चौक द्वारा किच्छा के पश्चिम से बाईपास होकर उत्तर में हल्द्वानी की ओर निकल जाता है। दराऊ चौराहा से पूर्वोत्तर में बरेली रोड के रूप में एक डिवाइडर युक्त सुंदर सड़क किच्छा शहर की ओर प्रवेश करती है। किच्छा 1801 में अंग्रेजों के हाथों में आया। 1839 में किच्छा को बरेली जिले में सम्मिलित किया गया। 1865 में तराई जिले का गठन होने पर इसे तराई जनपद में सम्मिलित कर दिया गया एवं तहसील घोषित किया गया तथा तराई जिले का मुख्यालय काशीपुर में स्थापित किया गया। बरेली रोड पर शहर की ओर बढ़ते हुए आवास विकास चौराहा स्थित है, जहां से पश्चिम में पौष कॉलोनी आवास विकास एवं पूर्व में सिरौली की ओर प्रवेश किया जाता है। बरेली रोड पर भव्य इमारतें, अनेकों वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स विकसित हो चुके हैं। 1891 में नैनीताल के तराई जिले में शामिल होने पर जिले का मुख्यालय काशीपुर से नैनीताल स्थानांतरित किया गया और जिले का नाम बदलकर भी नैनीताल कर दिया गया। 1994 में नैनीताल जनपद की 4 तहसीलों काशीपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा को जोड़कर उधमसिंह नगर जनपद की स्थापना की गई एवं गदरपुर और रुद्रपुर तहसीलों का सृजन किच्छा तहसील से ही काट कर किया गया। बरेली रोड, उर्वशी सिनेमा, अनुपम सिनेप्लेक्स इत्यादि से होते हुए शहर के एक मुख्य चौराहे दीनदयाल चौक पर पहुंचता है। यहां किच्छा का रोडवेज बस स्टैंड भी स्थित है। दीनदयाल चौक से पश्चिम की सड़क रुद्रपुर की ओर एवं पूर्व का मार्ग किच्छा के मुख्य बाजार के रूप में पहचाना जाता है। दोनों ओर कतारबद्ध आधुनिक प्रतिष्ठान एवं सुंदर कॉम्प्लेक्स किच्छा की संपन्नता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किच्छा शहर में वर्तमान में 90,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से उधमसिंह नगर जनपद का 3रा, कुमाऊं मंडल का 4था एवं उत्तराखंड राज्य का 9वां सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। मुख्य बाजार के मध्य में ही उपजिलाधिकारी किच्छा का कार्यालय स्थित है। किच्छा का नगरीय क्षेत्र किच्छा समेत बंडिया, सिरौली कलां एवं अन्य कई ग्राम पंचायतों तक फैला हुआ है। मेन बाजार अपने पूर्वी छोर पर महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचता है। यह चौराहा बेहद व्यस्त एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से किच्छा शहर का केंद्र बिंदु है। महाराणा प्रताप चौक से दक्षिण की ओर पुराना अस्पताल रोड बाजार एवं पूर्व की ओर पुरानी अनाज मंडी स्थित है। महाराणा प्रताप चौक से उत्तर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क हल्द्वानी अथवा नैनीताल रोड के रूप में पहचानी जाती है। इस मार्ग पर भी बाजार विकसित हो चुका है। यह सड़क रेलवे स्टेशन चौराहा, बंडिया चौराहा इत्यादि होकर हल्द्वानी की ओर प्रस्थान कर जाती है। रेलवे स्टेशन चौराहा पर पूर्व की ओर किच्छा का रेलवे स्टेशन स्थित है। यहां से बरेली को हल्द्वानी काठगोदाम से जोड़ने वाला रेल मार्ग गुजरता है। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने पश्चिम में जाने वाली एक मुख्य सड़क पर नगरपालिका परिषद किच्छा का कार्यालय एवं कोतवाली किच्छा का प्रशासनिक भवन स्थित है। दीनदयाल चौराहा से पश्चिम में रुद्रपुर रोड भी शहर की मुख्य सड़कों में एक है। इस मार्ग पर अनेकों राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं एवं औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं। किच्छा शहर में मनोरंजन हेतु 2 सिनेमाघर अनुपम एवं उर्वशी सिनेमा संचालित होते हैं। रुद्रपुर रोड आदित्य चौक पर बरेली हल्द्वानी बाईपास रोड को क्रॉस करके और रुद्रपुर की ओर प्रस्थान कर जाता है। किच्छा आकर इसे कैमरे में कैद करना बेहद शानदार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। किच्छा पर बना यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा
तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो किच्छा एवं आपके हृदय दोनों से परस्पर जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।